हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं हरबीर सिंह और आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत है। साथियों, मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आज आपको एक अच्छी बात बताने वाला हूं। जो भी साथी रिजल्ट चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। क्या खबर है, वीडियो को पूरा देखते रहिए। साथियों, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि DSSP का जो MCD PRT एग्ज़ाम था उस पर केस चला हुआ है और इसके बाद रिजल्ट में भी काफ़ी डिले हो रहा है। धरना देने के बाद भी DSSP ने एक RTI का जवाब दिया था कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, लेकिन जब सोर्सेज से पता चला, DSSP ऑफिस में जब बात हुई तो रिजल्ट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि रिजल्ट अभी फरवरी के बाद आएगा, 15 फरवरी के बाद। उसमें भी क्लियर नहीं है कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, उन्होंने कोई क्लियर फिक्स डेट नहीं बताई है। तो इसको देखते हुए जो साथी रिजल्ट चाहते हैं वो आज इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे मतलब इकट्ठे होने के बाद वो विपक्ष नेता हैं विजेंद्र गुप्ता जी, उनसे मीटिंग कर रहे हैं आज। तो जो भी साथी अपने हक के लिए जाना चाहता है तो मैं सभी को सजेस्ट करूँगा, जो साथी रिजल्ट चाहते हैं जरूर वहां पे पहुंचे, मीटिंग में पहुंचे। जिससे पॉलिटिशियन का क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि वो भीड़ देखते हैं, आप लोगों की कितनी भीड़ है उस हिसाब से कोई भी डिसीजन लेते हैं। अगर आपकी भीड़ वहां पे थोड़ी होगी तो इससे नुकसान आप लोगों का ही है। आपको बता देता हूं साथियों, इवन जो एग्जाम की डेट आई थी, पहले एग्जाम कैंसिल हो गया था, इसके बाद जो एग्जाम की डेट आई थी उसके लिए भी जो ये धैर्य जी हैं, ये विजेंद्र गुप्ता जी से मीटिंग करते रहे हैं और DSSP पर दबाव डालते रहे हैं। तो ये चीजें चलती रही हैं और इवन आप मेरी लास्ट वीडियोस देखना एग्जाम के टाइम की, तो उसमें एग्जाम डेट आने से पहले, क्योंकि आपको पता है कि PRT की एग्जाम डेट बहुत लेट आई थी, तो एग्जाम डेट जब आई थी तो उससे पहले मैंने आपको बता दिया था जो मीटिंग हुई थी कि दिवाली से पहले एग्जाम डेट आ जाएगी, जो मैम ने कहा था, वहां से जवाब मिला था। तो साथियों, जो भी साथी अपने हक के लिए जाना चाहता है तो मैं सारी डिटेल आपको बता देता हूं। तो साथियों, आपको रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन है वहां पे पहुंचना है सुबह 10 बजे, मतलब आज सुबह 10 बजे, 7 जनवरी 2018, मतलब आज सुबह 10 बजे रोहिणी मेट्रो स्टेशन है वहां पर पहुंचना है। और ये नहीं, आप अपने साथ 2-4 साथी और लेके जाएं जिससे एक प्रेशर बने, नहीं तो आप भूल जाएं कि रिजल्ट आने वाला है अभी। जैसा कि आपको पता है कि जो DSSP का हाल है बहुत बुरा है, आपको बहुत साथी गुमराह कर रहे होंगे कि रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, 2013-14 के भी रिजल्ट अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाए टाइम से तो आप अपने साथ 2-4 साथी और लेके जाएं, आप अपने हक के लिए तो जा सकते हैं, आप समझ रहे होंगे, आप अपने हक के लिए तो जा सकते हैं। आप वहां पे मीटिंग करें, बात करें, क्या पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, ये सारी चीजें वहां जाके देखें। तो रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पे जाना है सुबह 10 बजे और जो भी साथी जाना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, आप सीधा धैर्य जी को या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो साथी ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहता, जो साथी अपना नंबर मतलब पब्लिक में नहीं लाना चाहता, तो वो सीधा पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मेरा भी नंबर है, आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं फिर आपको धैर्य जी का या अपना नंबर जो भी है आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी, तो आप पर्सनली मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी वहां पे पहुंचे और इससे क्या है, देखो जाके क्या हो रहा है, क्योंकि घर बैठे मैं बहुत साथियों को देखता हूं, मैसेज आ जाते हैं, कमेंट आ जाते हैं, तो एक दिन का टाइम तो निकालना पड़ेगा जी, और अब सही समय है, आप जरूर जाएं। और आपको पता है ये 50,000 के अराउंड की एक जॉब है और इसके लिए भी आप अगर घर से नहीं निकल रहे तो क्या करेंगे। ये बहुत सारे ऐसे साथी हैं, उनकी लाइफ का सवाल है, तो घर से निकलें। इवन ये नहीं कि सिर्फ जेंट्स, लेडीज भी, गर्ल्स बॉयज सभी जाएं बाहर, निकले मीटिंग करें वहां पे जाके। तो साथियों, यही कहना चाहता था, उम्मीद है कि आप सभी साथी
सहयोग करेंगे हमारा धैर्य जी का, और ख़ास तौर पे धैर्य जी को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। वो साथी हमेशा आप लोगों के सहयोग में लगे रहते हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ पीआरटी वाले, जो भी साथी अपना रिजल्ट चाहते हैं सभी वहाँ पे पहुँचें, एनटीटी वाले, स्पेशल वाले। अभी एक साथी ने बोला था कि एनटीटी वालों के बारे में आप नहीं सोच रहे, मैं सोच रहा हूँ एनटीटी वाले भी आज वहाँ पहुँचे, अपनी डिमांड रखें, स्पेशल वाले भी, इसके बाद जिनका भी रिजल्ट नहीं आया टीजीटी वगैरह सभी वहाँ पे पहुँचे कि हमारा रिजल्ट नहीं आया है। तो साथियों ये सब कहते हुए मैं विदा चाहता हूँ। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।